श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा याद रखिए, मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही किसी कारणवश, कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी पांच प्रदोष या पांच सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंद कैश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो, चुटकी भर, बस ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। पांच प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको एक प्रदोष दो प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा, कैसे ही लगाएगा वो लगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।